टी का और क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, गिव्स अस मिल्क, तो गिव्स गिव्स जो वर्ड यूज हुआ ये क्या है, इसकी वर्ब भी सिंगुलर है। एंड सी, सी क्या है सिंगुलर है। एंड सिंग गाती है, सिंग्स जिसमें हमने एस ऐड किया हुआ है तो ये भी क्या है सिंगुलर वर्ब है। बट बी अगर जहां पे लिखा हो बी दे यू आई तो ऐसे क्या होते हैं ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज हम करते हैं। द वर्ब इन द सेंटेंसेस आर सेड टू बी प्रेजेंट टेंस, और जो ये है ये जो यूज हुई है वर्ब यूज हुई है इन्हीं को हम कहते हैं वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की वर्ब इन्हीं को हम कहते हैं जो सिंगुलर के साथ सिंगुलर यूज होते हैं, प्लूरल के साथ प्लूरल यूज होते हैं। ओके, यू इज कंसीडर्ड एज अ प्लूरल सब्जेक्ट एंड आई इज कंसीडर्ड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। यू को हम प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं मानते हैं लेकिन आई जो होता है उसको हम सिंगुलर यूज करते हैं। ओके, आई सिंगुलर कंसीडर किया जाता है एंड यू यू प्लूरल आई सिंगुलर। ओके, द सन राइजेस सूर्य निकलता है, आई वॉश माय फेस एवरी डे, आई के साथ आई क्या है सिंगुलर होता है लेकिन इसके साथ वर्ब भी वर्ब में हम एस या ईएस को ऐड नहीं करते हैं। अब नाउ टेक सम एग्जांपल, टिक द करेक्ट वर्ब्स, करेक्ट वर्ब क्या आपको टिक करना है। द डॉग बार्क बार्क्स, अब आपको ये देखना है डॉग ये सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट कैसा है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है उसके बाद आपको वर्ब देखनी है। सब्जेक्ट डॉग है तो डॉग क्या है सिंगुलर है, इसमें अगर एस लिखा होता डॉग्स मतलब बहुत सारे कुत्ते तो ये कैसा हो जाता प्लूरल, लेकिन यहाँ पे एस नहीं लगी हुई है ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं, इट मीन जिसमें एस लगी हो तो ये क्या है ये हमारी सिंगुलर वर्ब है। डॉग सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब पे हम टिक करेंगे, ये होगी बार्क्स डॉग बार्क्स। एंड नाउ द गर्ल ड्रॉ ड्रॉज, द गर्ल लड़की क्या है सिंगुलर है प्लूरल नहीं है तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज होगी ड्रॉ। ड्रॉ ये क्या है ये प्लूरल फॉर्म है, ये भी प्लूरल फॉर्म है लेकिन ये क्या है सिंगुलर तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर यूज होगा ड्रॉज। ओके, ऐसे ये सेम है। एंड नाउ लुक फाइव, दे बर्क बग्स हार्ड, अब दे क्या होता है हमारा प्लूरल होता है तो प्लूरल के साथ हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं, इट मींस बग्स ये तो हमारे सिंगुलर वर्ब है लेकिन ये क्या है प्लूरल तो दे के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे तो इसका मतलब दे के साथ आएगा वर्ब, तो राइट वर्ब जो है हमारी क्या है वर्ब, वर्ब पे टिक करेंगे। ओके, ऐसे ही आपको सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट देख के सिंगुलर और प्लूरल वर्ब पे टिक करना है। सो जो रिमेनिंग है ये आपके होमवर्क में इनको आप नोट कीजिए एंड देन आफ्टर कंप्लीट। थैंक यू।